आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूँ जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2023-2024 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं, आप सभी के लिए जो यूपी बोर्ड के द्वारा मासिक विभाजन किया गया है आपके पाठ्यक्रम का, आप को इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दूंगा कब क्या पढ़ना है और किस चीज की वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो यदि आप क्लास 10th विषय हिंदी मासिक विभाजन देखना चाहते हैं, पाठ्यक्रम का जो विभाजन किया गया है यूपी बोर्ड का, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कक्षा 10 विषय हिंदी पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन सत्र 2023-2024। इसके उपरांत आप यहां पर देख पाएंगे माह, पाठ्यक्रम, अध्याय या प्रकरण की संख्या। तो यहां पर आप देख रहे हो अप्रैल सत्र 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ होगा, आप सभी जानते हैं। और इसके बाद हिंदी गद्य का संक्षिप्त इतिहास यानी अप्रैल माह के अंतर्गत हिंदी पद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास और रामचंद्र शुक्ल का मित्रता पाठ। इसके बाद सूरदास के पद आपको अप्रैल माह के अंतर्गत ही पढ़ा दिए जाएंगे और इन सभी का वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैंने रामचंद्र शुक्ल जी का मित्रता वाला पाठ और सूरदास जी के जितने भी पद हैं सभी का संदर्भ सहित व्याख्या और काव्य सौंदर्य भी बताया है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो देख पाएंगे। तो अप्रैल माह में आपको कुल 2 पाठ पढ़ने हैं एवं हिंदी गद्य एवं पद्य का इतिहास से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी पढ़ना है। इसके बाद मई माह में आपको संस्कृत खंड का जो पहला पाठ है वाराणसी पाठ, जयशंकर प्रसाद जी का ममता शीर्षक पाठ और तुलसीदास जी के द्वारा रचित धनुष भंग और वन पथ पर इन दोनों पाठों को पढ़ना है और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का क्या लिखूं और इन्हीं के अंतर्गत मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर आपका टेस्ट होगा। तो यहां आप देख लीजिए मई माह के अंतर्गत आपको इतना पढ़ना है और वाराणसी संपूर्ण पाठ मैंने पढ़ा दिया था 2023 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो वही वीडियो आप 2024 में भी देख सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए आप उन्हीं वीडियो से काम चला सकते हैं और भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जब मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। और इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं धनुष भंग भी मैंने पढ़ाया है, आप वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में देख लेना, वन पथ पर भी मैंने पढ़ाया था। तो इसके बाद आप देख रहे हैं जून माह, जून माह में क्या है, ग्रीष्मावकाश रहेगा यानी छुट्टी रहेगी। फिर आता है जुलाई माह, जुलाई माह में आपको पढ़ना है इस पाठ्यक्रम के अनुसार यानी जो बोर्ड के द्वारा सिलेबस का जो है मासिक विभाजन किया गया है उसके अनुसार आपको क्या पढ़ना है। जुलाई माह में रसखान के सवैये और कवित, जिनका मैंने ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कराया है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, रसखान के जितने सवैये हैं सभी आपको देखने को मिलेंगे, संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद और काव्य सौंदर्य से रिलेटेड। और कवित का भी मैंने संदर्भ हिंदी अनुवाद बताया था। और 2024 बोर्ड एग्जाम की जब मैं आपकी तैयारी कराना स्टार्ट कर दूंगा तो सभी पाठों का, चाहे हिंदी गद्य खंड का हो चाहे पद्य खंड का हो, सभी पाठों को क्रमशः पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा और जल्द ही मैं आपको इस चैनल पर वीडियो प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूंगा। आप कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। बिहारी लाल जी का भक्ति और नीति शीर्षक दोहे भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाएंगे वीडियो। अनुयोक्त विलासा संस्कृत खंड का यह पाठ भी आपको पढ़ना है इस बार। और वीरह वीरेण पूजते, इस पाठ को मैंने संपूर्ण पढ़ाया यानी इसका मैंने हिंदी अनुवाद संपूर्ण ढंग से कराया था, आप वीडियो चैनल
चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ को भी मैंने पढ़ाया था, जो कि आपको जुलाई माह के अंतर्गत पढ़ना है। फिर हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आपको शब्द रचना के तत्व, उपसर्ग, प्रत्यय और पर्यायवाची शब्द, इतना आपको पढ़ना है। फिर मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार वर्णनात्मक प्रश्न के आधार पर टेस्ट होगा, यानी आपको इन जो है मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार ही आपका टेस्ट होगा जुलाई माह के अंतर्गत। इसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों अगस्त माह। इसके अंतर्गत आपको क्या तैयार करना है, क्या पढ़ना है, इस पाठ्यक्रम के अनुसार सुमित्रानंदन पंत का चींटी, चंद्रलोक में प्रथम बार और देशभक्ता चंद्रशेखरा, ये संस्कृत खंड का पाठ है। केन किम वर्धते, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार यानी 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए, 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए आपका जो सिलेबस है हिंदी विषय का हो या अन्य विषय का हो, आपको पूरा पढ़ना है। यानी जो इसके पहले की बोर्ड परीक्षा हुई जिसमें 30% का सिलेबस कटा हुआ था यानी हटा हुआ था, इस बार नहीं रहेगा, आपको पूरा पढ़ना है। और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आप इसी वीडियो के अंतर्गत देख पाएंगे कि कौन से पाठ आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं केन किम वर्धते, खंड काव्य, जिसमें आप देखेंगे खंड काव्य का आधा भाग यहाँ पर आपको पढ़ना होगा, यानी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें आपको पढ़ना होगा। महादेवी वर्मा जी का हिमालय से और वर्षा सुंदरी के प्रति, इसे भी पढ़ना है। और इसी माह में यानी अगस्त माह में भी आपका प्रथम आंतरिक मूल्यांकन भी होगा, प्रथम आंतरिक मूल्यांकन भी होगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों सितंबर माह में आपको क्या पढ़ना है, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आपको संधि एवं समास पढ़ना है और आरुणी श्वेत केतु संवाद, इस चैप्टर को क्लियर करना है। संस्कृत व्याकरण में शब्द रूप, धातु रूप, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद आपको पढ़ने हैं। राजेंद्र प्रसाद जी का भारतीय संस्कृति नामक पाठ पढ़ना है और रामधारी सिंह दिनकर जी का ईर्ष्या न गई मेरे मन से, इस पाठ को भी आपको पढ़ना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अक्टूबर माह के अंतर्गत राम नरेश त्रिपाठी जी का स्वदेश प्रेम, जिसका आप वीडियो देख पाएंगे, यानी इन राम नरेश त्रिपाठी जी के जितने भी स्वदेश प्रेम के पद्यांश हैं सभी से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। माखनलाल चतुर्वेदी जी का पुष्प की अभिलाषा और जवानी शीर्षक पाठ आपको पढ़ना है। काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत यानी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आपको रस, छंद, अलंकार और मैथिली शरण गुप्त जी का भारत माता का मंदिर यह, इस पाठ को भी आपको अक्टूबर माह के अंतर्गत पढ़ना है। निबंध रचना के अंतर्गत वैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बिंदुओं पर भी आपको निबंध तैयार कर लेने हैं। और अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन संभवतः अक्टूबर और नवंबर मास के अंतर्गत ही होगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा पाठ्यक्रम का सिलेबस का निर्धारण किया गया है, मासिक निर्धारण किया गया है, उसी के अनुसार यहाँ पर लिखा है कि अक्टूबर माह के अंतर्गत ही अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन होगा। नवंबर माह में आपको क्या तैयार करना है, सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी की समाधि पर और हिंदी व्याकरण एवं शब्द रचना भगवत शरण उपाध्याय जी का अजंता शीर्षक पाठ आपको पढ़ना है। जय प्रकाश भारती जी का पानी में चंदा और चांद पर आदमी, इस पाठ को भी पढ़ना है। केदारनाथ सिंह जी का नदी शीर्षक पाठ आपको पढ़ना है और मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर टेस्ट होगा इसी माह के अंतर्गत। अब बारी आती है दिसंबर माह में आपको क्या तैयार करना है, तो अशोक वाजपेयी जी का भाषा एकमात्र अनंत है, युवा जंगल और निबंध रचना में स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या इत्यादि विषयों
पर आपको निबंध तैयार कर लेना है, भारतीय संस्कृति। ये संस्कृत खंड का पाठ है जिसका मैंने संपूर्ण रूप से हिंदी अनुवाद कराया था। वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में क्रमशः मिल जाएंगे देखने को। आप तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि यदि आप अभी से स्टार्ट कर दोगे परीक्षा की तैयारी करना तो आप जो है अच्छा स्कोर कर पाओगे 2024 की बोर्ड परीक्षा में। श्याम नारायण पांडे जी का हल्दी घाटी जीवन सूत्राण संस्कृत खंड का ये शीर्षक पाठ है, इसे भी आपको तैयार कर लेना है। संस्कृत व्याकरण में संस्कृत अनुवाद भी आपको तैयार करना पड़ेगा इस बार, और मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर टेस्ट होगा। द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन भी दिसंबर माह के अंतर्गत ही कराया जाएगा इस जो है मासिक पाठ्यक्रम के विभाजन के आधार पर। जनवरी माह में खंड का विशेष भाग जो रहा होगा उसे आपको पढ़ना है, और जनवरी माह के अंतर्गत ही त्रि बोर्ड परीक्षा का आयोजन होगा, और बोर्ड परीक्षा का आयोजन संभवतः यानी इस पाठ्यक्रम के अनुसार जो कि आप देख रहे हो यूपी बोर्ड ने आपके सिलेबस का जो है मासिक विभाजन किया है इसके अनुसार फरवरी माह में बोर्ड परीक्षा का आयोजन होगा। तो यदि आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं 2024 बोर्ड एग्जाम की, हिंदी विषय की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं क्लास 10th के जितने भी विद्यार्थी, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर शेयर कर देना। और मैं अब आपको क्रमशः हिंदी विषय की बेहतर तैयारी कराना स्टार्ट कर दूंगा, और साथ ही मैं आपको अन्य विषय की भी तैयारी कराना स्टार्ट कर दूंगा। तो यदि क्लास 9th में यदि कोई भी विद्यार्थी है आप उसे भी बताएं चैनल के बारे में, और यदि क्लास 12th में कोई विद्यार्थी है तो आप उसे भी चैनल के बारे में बताएं, वीडियो को शेयर कर दें, और जल्द ही मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। रेगुलर आपको चैनल पर वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने कमेंट करके भी बताना कि आप इस बार यानी 2024 में किस कक्षा में हैं, कौन सी कक्षा से आप बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं 2024 की। जय हिंद।